हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड बेसिकली इसी कन्वर्जन के ऊपर हम जावा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे इसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। सो मान लो आपके पास बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, बेस 2 का नंबर है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में तो कैसे करोगे, मतलब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए रूल ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी बिट्स हैं लाइक 1 0 1 1, उनको उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग आप उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो प्लेस वैल्यू होती है हर जगह की, तो बाइनरी के बेस में जो प्लेस वैल्यू होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं। जो पहला प्लेस होता है उसका प्लेस वैल्यू होता है 2 टू द पावर 0 का, सेकंड प्लेस जो होता है उसका प्लेस होता है 2 टू द पावर 1 का, एंड थर्ड प्लेस जो होता है उसका प्लेस होता है 2 टू द पावर 2 का, एंड फोर्थ प्लेस 2 टू द पावर 3 का, एंड सो ऑन, ये चलता जाता है इधर, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, एंड सो ऑन। सो हमें क्या करना होता है, हमें इन पर्टिकुलर बिट्स को इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड सारी वैल्यूज को देन ऐड करना होगा, तो जो भी रिजल्ट आपका आएगा वही हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लो 1 इंटू 2 टू द पावर 0। सो यहाँ पे लिख दो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस, देन सेकेंड वाला 1 लो, इसको इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर 1 से, प्लस देन आगे से क्या है 0 यहाँ पे, सो 0 इंटू 2 टू द पावर 2, देन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। यहाँ पे इतने ही नंबर है तो हमने यहाँ पे इतने ही कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0 इज 1, देन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इज 2, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 4, बट ये 0 इंटू 4, ये 0 ही हो जाना है अभी। फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 इज 8। सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा, 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0, एंड देन 8 1 ज़ा 8। सो 8 प्लस 2 इज 10, एंड +1 इज 11। सो कितना आ जाएगा, 11। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। सो 1011 जो होता है वो बाइनरी नंबर किसका था, 11 का, ठीक है। 11 अगर डेसिमल है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहा होगा, 1011। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो तरीका आपको समझ में आ गया, आपको एक एक बाइनरी बिट लेना है एंड उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्लेस वैल्यू कैसे होती हैं, प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती हैं 2 टू द पावर 0 से, एंड कहाँ से, राइट इधर से स्टार्ट होती हैं, इस साइड से, देन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करते जाओ उनकी बिट्स को, एंड सारी बिट्स का जो बेसिकली प्रोडक्ट है उनको आप ऐड करते जाओ, तो जो टोटल सम आएगा आपका ये पूरा, वही सम क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल इक्विवेलेंट। अब यही चीज़ हम प्रोग्राम के हेल्प से कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सो मान लो आपके पास, सो यहाँ पे मान लो आपके पास एक इनपुट आया इंट एन में, ठीक है, प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम में बाकी सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा, मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मान लो आपको एक नंबर इनपुट करा यूजर ने, इंट एन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यही बाइनरी नंबर ले लेते हैं 1011। प्रोग्राम में हम इसको स्कैनर क्लास की हेल्प से इनपुट कराएंगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बस ऐसे ही इनपुट ले लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंट एन इज इक्वल टू 1011। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे इन बाइनरी बिट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगा लेता हूँ, वाइल, सो यहाँ पे बाइनरी बिट्स को निकालना है, और हाँ यहाँ पे आप कोशिश करना कि जो आपका एक्चुअल नंबर एन है इसको आप सेफ रखो। तो शुरुआत में यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लो, इंट टी इज इक्वल टू एन, तो एन आपका सेफ रहेगा। अब आप जो भी मॉडिफिकेशंस करोगे वो किस में करोगे, टी में, ठीक है, टी में आपका पूरा पूरा बाइनरी नंबर है। सो टी इज इक्वल टू एन, अब हमें टी को कब तक ब्रेक करना है, जब तक टी जीरो ना हो जाए। बेसिकली अगर टी में से आपको एक एक करके वन चाहिए, फिर वन चाहिए, फिर जीरो, फिर वन बिट्स चाहिए, सो अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम टी को ब्रेक करेंगे एंड एक एक करके यहाँ पे डिजिट्स को निकालेंगे, लाइक एक बार वन निकल के आएगा, फिर एक बार वन निकल के आएगा, फिर जीरो निकल के आएगा, फिर वन निकल के आएगा। तो डिजिट्स को ब्रेक करने का काम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू टी मॉड 10। तो जब आपने बाइनरी नंबर को मॉड 10 करा तो उसका एक डिजिट निकल के बाहर आ गया,
ठीक है, फिर आप बाइनरी नंबर को ओवरऑल उसका लास्ट डिजिट हटा भी दो। सो यहाँ पे लिख दो टी इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 10। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पहली बार वन निकल के आएगा, बाहर आ गया, ठीक है, आर में सेव हो गया रिमाइंडर में। उसके अलावा आपने क्या किया, यहाँ पे टी को डिवाइड भी कर दिया 10 से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए आप ये वन हटा भी दोगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे यह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये होगा 1011 है, तो पहली बार आर में क्या आएगा, लास्ट डेट, उसके बाद ये लास्ट डेट हट भी जाएगा इस वाले स्टेटमेंट से। देन नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा मॉड करने पे, ये वाला वन, देन ये वाला वन हट भी जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपको वो जीरो मिलेगा, फिर नेक्स्ट लाइन से यानी कि टी इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 10 करके ये जीरो यहाँ से हट भी जाएगा। देन उसके बाद आपको फिर से वन मिलेगा, देन उसके बाद इस लाइन का यूज करके ये हट भी जाएगा, तो आपका नंबर क्या बचेगा, जीरो। जैसे ही आपका टी जीरो हो जाएगा वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब इतना तो हमने कर दिया, लेकिन इतना करने से हमारा डेसिमल नंबर तो नहीं कैलकुलेट हुआ ना, एक काम हमें और भी करना था। ये जो डिजिट्स निकल के आ रहे हैं इसको आपको मल्टीप्लाई करना है अपनी प्लेस वैल्यू से। अब प्लेस वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा आर इंटू, अब प्लेस वैल्यू क्या है, 2 to the power 1, 2 to the power 2। तो पावर के लिए इसमें एक फंक्शन होता है जावा में, मैथ डॉट पाव, ठीक है। तो आपको 2 की पावर, यहाँ पे पावर कैसे हो रही है, सबसे पहले डिजिट के लिए पावर कितनी थी, 0, देन पावर 1, देन पावर 2, देन पावर 3। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लो इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो आई प्लस प्लस, तो इससे होगा क्या, पहली बार 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद जैसे ही 2 की पावर 0 यूज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, फिर अगली बार 2 की पावर 2, अगली बार 2 की पावर 3। तो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे पहली बार क्या यूज होगा, 2 to the power 0, देन जाके आपका आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ लिख दो 2, i, और आई को प्लस प्लस आप इसके बाद करा दो। मैंने यहाँ पे सेम स्टेटमेंट में ही आई को यूज भी कर लिया है, एंड देन उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। सो ये तो हो गया, लेकिन अब हमें इस प्रोडक्ट को ऐड करना है कहाँ पे, अपने फाइनल वाले डेसिमल नंबर में। तो उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं शुरुआत में, डी इज इक्वल टू 0 एक यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं डी इज इक्वल टू डी प्लस। तो बेसिकली होगा क्या, डी आपका जो डेसिमल मैंने वेरिएबल मान लिया यहाँ पे डी, तो इसके अंदर आपका जो सम होता जाएगा वो ऐड होता जाएगा। देन फाइनली सारे जब आपके डिजिट्स प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर इसमें जुड़ जाएंगे, तो इस लूप के खत्म होने के बाद आपको डी में क्या मिल जाएगा, अपना डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे एक दिक्कत अभी आएगी कि जो मैट डॉट पाव होता है ये फंक्शन आपको डबल टाइप का वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ से डबल टाइप का वैल्यू आएगा, बट आपका जो डी है वो किस टाइप का है, वो है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे आपको मैट डॉट पाव वाले फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इंट में, ठीक है, नहीं तो वो टाइप एरर आ जाएगा, कुछ एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। सो यहाँ पे हमने इंट लिख दिया, तो मैट डॉट पाव आपका इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट वैल्यू में कन्वर्ट होके यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन उसके बाद ये ऐड होता जाएगा डी के अंदर। तो कुछ यही काम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट काम आपका क्या बचता है, आप यहाँ पे बस प्रिंट कर दो डी को, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आपका डेसिमल नंबर का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सो इतना काम हमें करना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो इसका जावा प्रोग्राम देख लेते हैं अभी कैसे होगा। सो ये रहा इसका जावा प्रोग्राम। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने बाइनरी टू डेसिमल नाम की एक क्लास बना लिया, देन उसके अंदर बनाया है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर क्लास की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट कराया है, तो यूज़र को मैसेज दिया है एंटर अ बाइनरी नंबर, और उसने बाइनरी नंबर एक इनपुट कर दिया है नम वेरिएबल के अंदर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे वही काम किया है जो मैंने अभी आपको लॉजिक शो किया था। वहाँ पे मैंने एक डी वेरिएबल ले लिया 0, इसी में हमारा फाइनल डेसिमल नंबर स्टोर होगा। फिर टी इज इक्वल टू नम कर दिया, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने अपना बाइनरी नंबर स्टोर कर लिया है। देन उसके बाद इंडेक्सेस के लिए एक आई वेरिएबल मान लिया, इंट आई इज इक्वल टू 0। देन हमने चलाया है वाइल लूप टी इज ग्रेटर देन 0 तक के लिए, उसके अंदर एक एक करके हम यहाँ से डिजिट्स को निकालते जाएंगे इंट आर इज इक्वल टू टी मॉड 10 करके, और फाइनली यहाँ पे नंबर को भी हम बारी बारी से एक एक उसमें से डिजिट हटाते भी जाएंगे साथ साथ, तो टी इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 10 कर देंगे। इसके बाद आपका जो डिजिट आया है उसको आपको फाइनल डेसिमल नंबर में ऐड करना है, कैसे, डी इज इक्वल टू डी प्लस आर इंटू, मतलब जो भी आपका नंबर डिजिट है, डिजिट इंटू उसकी प्लेस वैल्यू से, मैट डॉट पाओ 2, i++, ठीक है। तो आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी मैट डॉट पाओ से, वो प्लेस वैल्यू उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन वो एड अप होती जाएगी किसके अंदर, डी वेरिएबल के अंदर। देन जैसे ही आपका वाइल लूप खत्म होगा आप क्या करोगे, उस बाइनरी इक्वेलेंट को
प्रिंट कर दोगे। तो ये है इसका प्रोग्राम, चलो अभी इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। कंपाइल, और इसको भी रन करते हैं। सो ये ओपन हो गया टर्मिनल विंडो। अब यहाँ पे हम कुछ इनपुट देके देखते हैं, लाइक 1011 जो हमने एग्जाम्पल को माना था। सो जैसे ही हमने इसको एंटर किया, यहाँ पे देखो प्रिंट होके आ रहा है दैट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1011 इज 11। सो 1011 किसका बाइनरी था? 11 का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इस बार देके देखते हैं 1111। तो जो 4 times 1 होता है ये 15 का बाइनरी कोड होता है, तो देखते हैं आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 4 times 1 इज 15, तो 15 का ही बाइनरी कोड होता है 1111, ये हमने चेक कर लिया। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।